सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, देखें हमारा वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने टेक यूट्यूब चैनल टेक्नो में। मैं हूं आपका दोस्त कुंदन सिंह। दोस्तों हम सभी वीडियो कॉल्स करते हैं, इसके लिए आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे, स्काइप यूज करते होंगे, फेसबुक मैसेंजर यूज करते होंगे और इसी तरह के ऐप्स का इस्तेमाल आप करते होंगे। लेकिन जब बात हम करते हैं बिजनेस की है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ मीटिंग करनी होती है और वहाँ पर व्हाट्सएप जो कि एक सिंपल वीडियो कॉलिंग ऐप है सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए हमें कुछ ऐसे ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है जो काफ़ी फीचर उसमें देते हों। आपने सुना होगा एक ऐप का नाम जिसका नाम है जूम। जूम ऐप बहुत पॉपुलर हुआ था। इसका एक वजह ये भी था कि जूम में कुछ ऐसे फीचर्स थे जो फीचर्स की वजह से वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी खबर आई जिससे जूम के यूजर निराश हो गए, जिसके बारे में ये था कि जूम आपका डाटा बेच रहा है। जूम के साथ एक सिक्योरिटी का इशू हुआ और इसी इशू को लेकर लोगों ने जूम ऐप अनइंस्टॉल करने शुरू कर दिए। दोस्तों अब इसके एक अल्टरनेटिव के रूप में मैं आपको आज एक ऐप के बारे में बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि उस ऐप पे आप कैसे वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐप का नाम है सिस्को वेवएक्स और सिस्को वेवएक्स ऐप 1995 यानी कि 1995 से काफ़ी पुराना ऐप है। बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट्स हैं। दोनों ऐप के बीच में काफ़ी सिमिलरिटी हैं, काफ़ी फीचर्स हैं जो जूम ऐप पे भी हैं और सिस्को वेवएक्स पे भी है, तो काफ़ी अच्छा ऐप है। तो अगर आप जूम ऐप यूज नहीं कर रहे हैं, और मैं भी सजेशन दूंगा कि आप सिस्को वेवएक्स यूज करें, बहुत ही अच्छा ऐप है, कमाल का फीचर है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं ओपन कर रहा हूँ इसके वेबसाइट को। आपके पास अगर कंप्यूटर या पीसी नहीं है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है सिस्को वेवएक्स और एक ऐप आएगा जिसे आपको इंस्टॉल करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है इनके वेबसाइट का। सबसे पहले एक चीज़ आपको अगेन क्लियर कर दूँ कि अगर सिस्को वेवएक्स आप यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको किसी मीटिंग ज्वाइन करने हैं, सिर्फ ज्वाइन करने हैं, तो आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे और मोबाइल में भी आप ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मीटिंग नंबर लिखना होगा। मीटिंग के बारे में उसकी लिंक अगर आपको दी गई है तो आप लिंक पेस्ट कर दें यहाँ पर, या फिर मीटिंग का नंबर दे के आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मीटिंग होस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली होस्ट पे क्लिक करना है आपको। होस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक इंटरफेस खुलता है और इस इंटरफेस में दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक साइन इन का होता है और एक साइन अप का होता है। और मोबाइल फोन के ऐप पर भी आपको साइन इन और साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली सबसे पहले आप नए हैं तो साइन अप पे क्लिक कर लेना है आपको। दोस्तों साइन अप करने के लिए जरूरत होती है आपकी ईमेल आईडी की, तो यहाँ पर अब मैं अपनी ईमेल आईडी टाइप कर दे रहा हूँ official.techno@gmail.com और मेरे को क्लिक करना है साइन अप पे। यहाँ पर मैं अपना नाम टाइप कर दे रहा हूँ, नाम के बाद लास्ट नेम पूछ रहा है, लास्ट नेम मैंने टाइप कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। कन्फर्मेशन मैसेज आ गया, यहाँ पर लिखा है कि योर न्यू अकाउंट इज रेडी। तो सबसे पहले मैं एक बार जीमेल चेक करूँगा अपनी। जीमेल में आप देख रहे हैं कि सिस्को की तरफ से एक मेल आया हुआ है, इसके अंदर यूजर नेम दिया हुआ है और एक ऑप्शन है उसके नीचे कि क्रिएट पासवर्ड। अब यहां से मेरे को क्रिएट करना है एक पासवर्ड। यहां पर यूजर नेम के साथ अपना एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपको ये एक डैशबोर्ड पे ले जाएगा। दोस्तों साइन अप करने के बाद आप कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में सबसे पहले ऊपर की बात करते हैं, देखो यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है लैंग्वेज और उसके बगल में आपका नाम होगा। नाम के नीचे दो ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें माय प्रोफाइल होगा और माय कॉन्टैक्ट्स होंगे। साइन आउट का भी ऑप्शन आपको यहीं पर मिलेगा। माय प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल जो है आप उसे चेंज कर सकते हैं। होम पेज पे जाते ही
आपको एक नीचे मिल जाता है यूआरएल, जो कि आपके नाम के नीचे लिखा होता है। ये आपकी पर्सनल मीटिंग रूम होती है। इस लिंक को आप अगर जिसे भी शेयर करेंगे, इस लिंक पे जाके और आप जो भी पासवर्ड उसे प्रोवाइड करेंगे, उस पासवर्ड के थ्रू आपके रूम में एंटर कर सकता है। तो ये आपकी पर्सनल रूम का एक यूनिक यूआरएल है। और इसका पिन कहाँ मिलेगा, तो ये मैं अभी आपको बताने ही वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। हम बात करेंगे प्रिफरेंस ऑप्शन का। प्रिफरेंस ऑप्शन में क्या क्या होता है? सबसे पहले कुछ सेटिंग होती है, जिस सेटिंग को आप करेंगे तो आप अच्छे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होस्ट कर पाएंगे। तो कुछ सेटिंग में क्या क्या चेंज करने होते हैं शुरू में, ये मैं आपको यहां बताऊंगा। सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है टाइम जोन सेलेक्ट करना। टाइम जोन क्या होता है? टाइम जोन आप जहां रह रहे हैं, जैसे मैं इंडिया में हूं, आप इंडिया में हैं, तो इंडिया का टाइम जोन है +5:30। आप देखेंगे +5:30 पे इंडिया का होगा, जिसमें देख रहे हैं आप चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली। तो ये टाइम जोन आपको सिलेक्ट करना है, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से सेव पर क्लिक कर दें। जो सेकेंड ऑप्शन है वो है रूम सेटिंग का। रूम सेटिंग के ऑप्शन में आपका रूम का नाम ऊपर मिल जाता है, उसके नीचे आपको वो यूआरएल मिल जाता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है होस्ट पिन। आप इस पिन को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉक का ऑप्शन, ये जरूर इंश्योर कर लीजिएगा कि इस पे क्लिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे जो टाइम सिलेक्ट करेंगे, इस टाइम के बाद, उतने मिनट के बाद आपका रूम लॉक हो जाएगा। उसके बाद कोई भी विदाउट आपकी परमिशन के रूम में एंटर नहीं कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट अ मीटिंग का ऑप्शन आपको मेन इंटरफेस पे मिल जाता है। तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे ना, तो इसके नीचे दो ऑप्शन आ जाते हैं, डेस्कटॉप ऐप या वेब ऐप। ये आपका चॉइस है कि आप एक ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पे, या फिर आप वेब ऐप का यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं इनके ऐप पे, तो वहाँ पर डायरेक्ट आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है कि ओपन द डेस्कटॉप ऐप। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके डेस्कटॉप ऐप को ओपन कर सकते हैं। अगर डेस्कटॉप ऐप नहीं है आपके लैपटॉप में, तो आप नीचे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, तो आप ब्राउजर से भी मीटिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जब मीटिंग शुरू हो गया है, तो इस मीटिंग को लोग कैसे ज्वाइन करेंगे? इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपल ऊपर आई बटन पे क्लिक करना है। आई बटन पे क्लिक करने के बाद ये जितने तरीके हैं, इन सारे तरीकों से आपकी मीटिंग को लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आपको अपनी पर्सनल आईडी, पर्सनल मीटिंग लिंक जो है, उसे आपको शेयर करना होगा अपने दोस्तों में। शेयर करने के साथ साथ आपको अपनी मीटिंग नंबर भी शेयर करनी पड़ेगी और साथ ही पासकोड भी शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि लोग मीटिंग को ज्वाइन कर पाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मीटिंग को कैसे ज्वाइन किया जाता है। मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज को दिखाता हूँ, जिसमें मेरे को भेजा गया है, जो ये रूम क्रिएट किया है मैंने, उसकी मीटिंग लिंक मैंने भेजी है अपने व्हाट्सएप पे, जो आप व्हाट्सएप यहाँ देख रहे हैं। तो इस पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अगर आपने अपने फोन में वेवेक्स मीट ऐप इंस्टॉल किया होगा, तो यहाँ पर खुद एक ऑप्शन दिख जाएगा कि वेवेक्स मीट के थ्रू ओपन करना है। तो आप इस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो ऑडियो या वीडियो ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसे ऑफ ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। आप सिंपली ज्वाइन पर क्लिक कर लें। ज्वाइन पर क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि हाँ, अगला ऑप्शन आ गया है, मीटिंग नंबर भी आ गया है। तो देख रहे हैं इस तरह से मीटिंग रूम ज्वाइन हो गया है। तो अब आप लोग आपस में बात कर सकते हैं और ये कनेक्टिविटी हो चुकी है पूरी तरह से, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप मीटिंग रूम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ आपने सीखा होगा।
और ये ऐप बहुत ही अच्छा है। आप वेवेक्स ऐप के सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलते रहें। आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल टेक्नो। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए ताकि हम इसी तरह के और भी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें।